बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र कह सकते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर में है, आप देख सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं। जो भी छात्र एमपी के यूनिवर्सिटी से है, एमपी आल यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए। देखिए, जो जो सिलेबस में आपके क्वेश्चन मिले उन क्वेश्चन पर टिक लगा लेना है। और यहाँ बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर हाल ही में होने वाला है उनके लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर देख सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों का। तो आपको क्या क्या पढ़ना है आप ध्यान से देखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर वालों का। तो आपको देखो यहाँ पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पूरा कवर कर रखा है और इसमें आपको देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने जो पीले कलर के आपको क्रेज करके रख दिया है, बस यही पढ़ना है, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना होगा, देखो जो ऊष्मीय गतिकी के जो प्रथम नियम है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऊष्मीय गतिकी की अवधारणाएं, जो मूल अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट था ऊष्मीय गतिकी का वो देखेंगे। और इनके तीन नियम थे, तीनों नियम को अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि यही पेपर में छपता है। देखो पहला एक प्रथम नियम होता है ऊष्मीय गतिकी का प्रथम नियम, और ऊष्मीय गतिकी का द्वितीय नियम को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम। तीनों नियमों के बारे में पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे नर्ड्स ऊष्मा प्रमेय कथन के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नर्ड्स की जो ऊष्मा प्रमेय था उस कथन के बारे में आप याद कर लेंगे। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि तापमान का ऊष्मा गतिकी पैमाना कैसा होता है, वो कैसे नापी जाती है, उनके बारे में आप याद करेंगे, ठीक है ना। वहीं चलते हैं नीचे, और नीचे आपको याद करना है कह सकते हैं हेल्स के नियम को आपको पढ़ लेना है। हेल्स ऊष्मा के संकल्प नियम, जो उस हेल्स का नियम था, हेल्स ने एक नियम दिया था और उस नियम के अनुप्रयोग के बारे में भी आपको याद कर लेना है। और प्रमाणित जो अवस्थाएं हैं, किस किस अवस्था में ऊष्मा रसायन के बारे में बोलता है, तो उस अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेना है। बस इतने क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है, बाकी छुड़वा रहा हूँ उस कुछ नहीं पढ़ना। इसी तरीके से आपके बुक क्वेश्चन बैंक में लिखा होगा कि जैसे कि आपको यह लिखा होगा स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, स्वतंत्रता कोटि के बारे में आप पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गिब्स अवस्था नियम की ऊष्मीय जो व्युत्पन्न होता है वो किस तरीके से होता है, तो आपके बुक या नोट्स गैस पेपर में लिखा होगा कि गिब्स अवस्था नियम के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो ये आप याद करके जाएंगे कि गिब्स अवस्था नियम के बारे में बहुत 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 ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आप याद करेंगे कि राउल्ट, और देखो राउल्ट का नियम आता है और हेनरी का नियम आता है, तो राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। और ये बात साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन बता दूं, ये होता है नर्सेट का वितरण नियम, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो भी एमपी के स्टूडेंट है वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देखिए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। जो जो बता रहा हूँ वही अपने बुक नोट्स जैसे पेपर में सर्च करना है और पढ़ लेना है। यूनिट नंबर थ्री में हम पढ़ेंगे चालकता की तुलना प्रभाव के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चालकता कह सकते हैं तुलता नियम होता है, तुलता पर प्रभाव क्या होता है, चालकता का तुलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आप पढ़ेंगे। और कह सकते हैं कोलर हाउस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोलर हाउस का नियम इज मोर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। वही बात की जाए, एक आपसे पूछता है विशिष्ट चालकता और तुल्य की चालकता में अंतर आपसे पूछ लेता है, तो विशिष्ट चालकता और तुल्य की चालकता को दोनों को आप याद करेंगे। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको बनता है कि आर्यस की जो आर्यनियंस थे उनके विद्युत अवघटनीय सिद्धांत और उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन प्रबल और दुर्बल विद्युत अवघटन के बारे में पढ़ लेना है, प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अवघटन और दुर्बल विद्युत अवघटन क्या होते हैं। और आस्टवाल्ट का तनुता का नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आस्टवाल्ट के तनुता का नियम को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे क्योंकि ये पेपर में छपेगा। उसके बाद में आता है देखो DHO सिद्धांत और उसकी समीकरण के बारे में पढ़ लेंगे, बस इतना पढ़ना है। उसके बाद में नीचे जाना है और आप पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किस तरीके से होता है वो आप पढ़ेंगे, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सरणी के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक सरणी के बारे में पढ़ेंगे आप लोग सभी लोग, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ना होगा, देखिए जो जो क्वेश्चन टिक लगा रहा हूं बस वही पढ़ना है। उसके बाद चौथी यूनिट में पहुंच जाएंगे, यूनिट नंबर चार में हम देखेंगे कि रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है, रिडॉक्स विभव भी आपसे पूछ लेता है और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है आप याद करेंगे।
आयनिक की संयोजकता के बारे में आप पढ़ के जाएंगे कि आयनों की जो आयन होते हैं और आयनों की संयोजकता कैसी होती है, साथ ही साथ पीएच, पीएच जो पैमाना होता है, पीएच की परिभाषा और पीके की परिभाषा, इन दोनों की परिभाषाओं को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। एक होता है वर्फ विलयन, याद रखना है वर्फ विलयन, तो आप याद करेंगे कि वर्फ क्रिया, क्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, तो वर्फ की जो क्रिया विधि होती है वो कैसी होती है, और हेंडरसन जो हलचल समीकरण है उसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और नीचे हम पढ़ेंगे पांचवी यूनिट, जो लास्ट यूनिट है इस वीडियो की, मतलब कि आपको जो पेपर का लास्ट यूनिट है वो है, देखो अधिशोषण और अपशोषण में अंतर आपसे पूछ लेता है कि अधिशोषण किसे कहते हैं और अपशोषण किसे कहते हैं, दोनों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उत्प्रेरित अभिक्रिया के अभिलक्षण के बारे में, कि उत्प्रेरित अभिक्रिया किसे कहते हैं और उत्प्रेरक का अनुप्रयोग के बारे में आप देख लेंगे। बस इतना क्वेश्चन आपको देखना है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। आप सभी लोगों से आशा है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आपके सिलेबस में जो जो क्वेश्चन यहाँ मैंने बताए हैं मिल रहे हैं, वो सारे सिलेबस टिक कर लीजिए, क्योंकि एमपी के ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।